हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ड्रैगन बॉल सुपर के बारे में। टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे आप कितने एक्साइटेड होंगे, मैं जानता हूं। तो मैं इसके बारे में ही बात करने वाला हूं। हम बात करेंगे ड्रैगन बॉल सुपर हीरो जो मूवी आ रही है इस साल, और इसके रिलीज डेट के बारे में बात करूंगा जो फुली कंफर्म हो चुका है। अब देखिए, ड्रैगन बॉल सुपर में कैसा है, ये बहुत सारे कैरेक्टर्स है, बहुत सारे लोगों ने कुछ स्पॉयलर्स लीक किए हुए ऑनलाइन, लेकिन मैं जो हूँ इस स्पॉइलर के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूँगा। तो अब इसके अंदर कैसा होता है, ये जो मूवी है ये मतलब बड़े स्केल पर आने वाली है, और ड्रैगन बॉल सुपर में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी होने वाली हैं। तो डरिए मत, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, कहानी वगैरह नहीं बताऊंगा। जैसे कि आपको पता है जापान में ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है और ये US में इंग्लिश डब में आने वाली है। देखिए, हिंदी डब का तो अभी कुछ कन्फर्म नहीं है, बट 100% श्योर इंडिया में इंग्लिश डब में आने वाली। क्योंकि क्या होता है, ट्विटर पे सोनी पिक्चर्स ने और क्रंची रोल ने साथ में मिलकर बोला था कि गेट रेडी फॉर अ ग्लोबल रिलीज। तो ये जो है ड्रैगन बॉल सुपर मूवी, इस बार थोड़ा स्पेशल होगा क्योंकि इस मूवी में ब्रॉली का भी काम है। अब ये पता नहीं कि मांगा के हिसाब से ब्रॉली को ये लोग एपिसोड में कहाँ पर ऐड करेंगे, क्योंकि पिछली अगर आप हिस्ट्री देखो ड्रैगन बॉल जी की, ब्रॉली भी सिर्फ मूवी में ही था, पुराने मूवीज में जहाँ पर वो विलन था, लेकिन उसे एपिसोड में कहीं पर भी ऐड नहीं किया गया। तो ये सोलो मूवी भी हो सकती है, और अगर ये एपिसोड में आ जाता है ब्रॉली तो और ही मज़ा आ जाएगा। और इसकी रही बात CGI एनिमेशन की, CGI एनिमेशन भी जो है ये बहुत ही अच्छा, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने अल्ट्रामैन के बारे में बात किया था, वो भी CGI एनिमेशन ही था, लेकिन इस बार भी ड्रैगन बॉल में भी ये बहुत ही अच्छा एनिमेशन है। तो ड्रैगन बॉल सुपर हीरो में हमें क्या देखने मिलेगा इस नई मूवी में, हाँ पिकोलो का नया फॉर्म देखने मिलेगा, पिकोलो इसके अंदर थोड़ा बफ्ड अप दिखाएगा, और गोहान का नया फॉर्म देखने मिलेगा जहां पर गोहान के बाल व्हाइट है और आंखें रेड है, और दो नए एंड्रॉइड्स को देखने मिलेंगे। मतलब यहाँ पर स्टोरी वैसे ही दिखाई गई है कि रेड रिबन आर्मी में डॉक्टर जेरो जो हेड होता है उसके जो है वो रेड रिबन आर्मी वाले वापस से रिटर्न आते हैं। वो कैसे आते हैं इस प्लॉट के बारे में तो नहीं पता, लेकिन वो मूवी देखने पर हमें पता चल जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक्साइटमेंट में ऑनलाइन स्पॉयलर्स मत देख लीजिएगा। इंडिया में ये मूवी रिलीज होने वाली है तो थिएटर्स में ही जाके देखेगा। अभी रही बात रिलीज की इंडिया में, तो ये जो है मेट्रो सिटीज में ही होने वाली है, मतलब हर जगह पे नहीं, फॉर एग्जाम्पल मुंबई, बैंगलोर, यहाँ पर होने वाली है। मेन जो बड़े बड़े शहर है, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, तो यहाँ पर ऐसे जगहों पर होने वाली है। बाकी का अपडेट नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये अपडेट कल ही आया है, क्योंकि क्रंची रोल ने भी बताया है कि इंडिया में कंफर्म रिलीज है। तो अब हम जो है इसके अंदर बात करेंगे मतलब कैरेक्टर डिज़ाइन के बारे में। कैरेक्टर डिज़ाइन जो है वो बहुत ही अच्छे से किया गया है, मतलब कोई भी मतलब कंजूसी नहीं की गई है। जैसे ब्रॉली मूवी का एनिमेशन अच्छा था वो तो मानना ही पड़ेगा, इसमें क्या ये CGI एनिमेशन जो है वो भी बहुत ही अच्छा दिखाया गया है। और इसके अंदर अभी कैसा है, ये बहुत सारे कैरेक्टर्स भी है। और हाँ, और एक चीज़ यहाँ पर हमें देखने मिलेगा, इम्परफेक्ट सेल मैक्स, मतलब सेल मैक्स इसको बोल रहे हैं, लेकिन सेल का फाइनल फॉर्म नहीं है ये, इम्परफेक्ट सेल को दिखाया जाएगा। और यहाँ पर शायद फ्रीजा भी आएगा, और र्यूमर ये है कि गोकू और वेजिटा का भी फाइट है इसके अंदर, क्योंकि जहाँ तक मैं देख सकता हूँ कहीं पे स्क्रीनशॉट में इन्होंने लीक किया था कि ब्रॉली जो है वो लॉर्ड बीरस के प्लैनेट के ऊपर ट्रेनिंग कर रहा है, जहाँ पर गोकू और वेजिटा भी है। CGI एनिमेशन बहुत ही अच्छा, मतलब स्क्रीनशॉट से वही लग रहा है। और गोहान का जो नया फॉर्म है, व्हाइट बाल, व्हाइट आईब्रोज और रेड आंखें, वो भी मतलब बहुत ही अच्छे तरह से दिखाया गया, वो मतलब फाइनल गोहन कहा जा रहा है। और यहाँ पर सेल का भी जो फाइट है वो भी धमाकेदार है, पिकोलो के साथ यहाँ पर फाइट है। तो गोहन के फॉर्म को गलती से अल्ट्रा इंस्टेंट करके समझना मत आप। तो यहाँ पर हम अब बात करेंगे जो है इसके रिलीज के बारे में। तो सबसे पहली बात जो रिलीज होने वाली है, तो मैं बता दूं ये मल्टीपल कंट्रीज़ का इन्होंने दिया गया है, लेकिन हम बात करते हैं इंडिया के बारे में, तो ये हमारा जो इंतज़ार वो ख़त्म हो चुका है। इंडिया में ये रिलीज़ होगा अगस्त 26 को, जी हाँ 26 अगस्त को ये रिलीज़ होगा। और मोस्टली मुझे लगता है ये PVR वाले थिएटर्स में होंगे, क्योंकि दूसरों के साथ इनका टाई अप नहीं है, तो PVR सिनेमाज जो है ना वहाँ पर ये अगस्त 26 को रिलीज़ होगा। टिकट्स के बारे में जानकारी नहीं है, कॉस्ट के बारे में नहीं है, मतलब अगर देखा जाए तो इन शॉर्ट 2 महीने ही बाकी हैं, तो 2 महीने के अंदर ये बहुत जल्द रिलीज़ होगा और हम एक्साइटेड हैं। और रही बात हिंदी अपडेट की, हिंदी का फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि क्या होता है पहले से इंग्लिश डब में ये रिलीज़ करते हैं, उसके बाद कहीं पर जाकर ये जो है हिंदी डब में आ पाएगा, या तो वो OTT पे आएगा या तो फिर जो है किसी स्पेसिफिक चैनल पर दिखाया जाएगा।
तो रही बात यहाँ पे ब्रॉली की, तरह पिछली बार भी जो ब्रॉली रिलीज हुआ था थिएटर में पीवीआर में, उस वक्त क्या हुआ था कि इसका प्रिंट जो था वो अच्छा नहीं था, मतलब 1080 फाइल था वैसा था थिएटर्स में जो दिखाया गया था, और सिनेमास्कोपिक स्क्रीन में इसे जो है वो क्रंच किया गया था। आई होप कि ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरो मूवी के साथ ऐसा ना हो, ये फुल स्क्रीन में हमें दिखाया जाए। तो ये डेट जो है वो मार्क कर लीजिएगा, ये रिलीज होगा August 26 इंडिया के अंदर, और इसकी जो टिकट प्राइसिंग जो है वो शायद एक हफ्ते पहले ही आ जाएगी, और पोस्टर्स वगैरह भी आ जाएंगे उसके हिसाब से पता चल जाएगा। लेकिन इंडिया में कौन से स्टेट में है प्रॉपर कैसा है इसकी जानकारी नहीं, खाली इतना दिया गया है कि 26 तारीख को इंडिया में होने वाला, August 26 जो डेट है इंडिया और इंडोनेशिया का डेट है, बाकी का जो है वो डेट अलग है, और क्योंकि मेन जो है इंग्लिश डब जो है सबसे पहले August 19 को आएगा यूनाइटेड स्टेट्स, और August 18 में आएगा ये ऑस्ट्रेलिया में आएगा August 18 को। तो इंडिया का डेट जो है वो August 26 ये मार्क कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ड्रैगन बॉल में शायद ये बहुत सारे कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस करें, मैं तो आपको इतनी जानकारी दूंगा, स्पॉइलर नहीं दूंगा। अब बस हमें इंतज़ार है August 26 का कि रिलीज़ होगा, क्योंकि ये क्रंची रोल ने भी कंफर्म कर दिया है। और जाते जाते और एक बात एडिशनली, क्रंची रोल ने ये भी रिवील किया है कि इसके इंग्लिश डब कास्ट में कौन कौन होने वाला है। गोहान की आवाज़ दी गई है काइल हर्बर्ट के थ्रू, गोकू का आवाज़ दिया है हमारे लेजेंडरी शॉन शमेल, और गुटेन का आवाज़ दिया है रॉबर्ट मैकलम, पिकोलो का तो आप जानते ही हो क्रिस्टोफर सबात द ऑलराउंडर, जो कि इसके ADR प्रोड्यूसर भी है, लाइन प्रोड्यूसर भी है, और बुलमा का आवाज़ दिया है मोनिका रियाल, और वेजिटा का भी दिया है क्रिस्टोफर सबात ने, क्योंकि क्रिस्टोफर सबात आप जानते ही हो वन पीस में इंग्लिश में इन्होंने रोरो रोनवा जोरो का भी आवाज़ दिया है। क्रिलिन का जैसे कि हम जानते ही हैं इसकी आवाज़ बदली नहीं, इसकी आवाज़ जो है वो सोनी स्ट्रेट ही देंगे। ट्रंक्स का आवाज़ जो देंगे वो है एरिक वेल, ये देंगी, और जो है इसके बाद विडेल का आवाज़ देंगी कैरा एडवर्ड्स, और फाइनली पैन का आवाज़ देंगे, ये नए डबिंग आर्टिस्ट हैं, जीनी टिराडो। तो यहाँ पर जो डबिंग कास्ट है, इंग्लिश डब का कास्ट, ये बहुत ही धमाकेदार है, और मूवी जो है वो बहुत ही मज़े आने वाली है। तो आप जो है इस मूवी का इंतज़ार करिएगा, बस 2 महीने बाकी है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो ये बड़े स्क्रीन पर देखने पर मज़ा आएगा, और इम्पॉर्टेंटली बड़े स्क्रीन पर CGI एनिमेशन। ये 3D में भी हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं है शायद ये नॉर्मल में ही आएगा, जैसे ड्रैगन बॉल सुपर मूवी का आया था, 3D में आता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आज के लिए बस इतना ही, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, तो ऐसे ही धमाकेदार एनिमे वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। So thank you very much once again. Have a good day.